नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हाईवे एक्सप्रेसवे पे बने टोल टैक्स प्लाजा में अक्सर आपने खबरें देखी होंगी कि नेता टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मियों के साथ मारपीट करते रहते हैं। लेकिन इस खबर में नेता नहीं, जिले के गैस्टेड अधिकारी टोल टैक्स कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस कर्मियों की मदद से पीट रहे हैं। दरअसल मामला कन्नौज जिले के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे टोल टैक्स प्लाजा का है, जहां 25 फरवरी की रात 11:30 बजे जिले के सेल टैक्स विभाग के अपर आयुक्त पंकज लाल, होमगार्ड कमांडेंट चंदन सिंह व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार अपनी गाड़ी से लखनऊ की ओर से तिरवा कन्नौज लौट रहे थे। तभी वहां टोल टैक्स पर टोल कर्मियों ने उनसे टोल टैक्स मांग लिया, तो सेल टैक्स विभाग के अपर आयुक्त पंकज लाल ने अपने पद की धमकी देते हुए टोल टैक्स देने से मना कर दिया। टोल कर्मियों ने जब उनका परिचय पत्र मांगा तो पंकज लाल ने अपना आपा खो दिया और टोल में बैठे कर्मियों को पीट दिया। मामला अभी यही नहीं थमा, दबंग अधिकारी पंकज लाल ने तिरवा एसडीएम को फोन कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम साहब ने मामले की जांच किए बिना वहां मौजूद टोल कर्मियों को पीट दिया। पुलिस और एसडीएम की मौजूदगी में दबंग पंकज लाल ने लात घूसों से टोल कर्मियों को जमकर पीटा। यह सारी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित टोल कर्मी की माने तो उसने सिर्फ साहब का परिचय पत्र मांग लिया था। वो हाथ जोड़कर अधिकारी से माफी मांगता रहा, लेकिन दबंग पंकज लाल टोल पर तोड़फोड़ करता रहा और कर्मियों को लात घूसों से पीटता रहा। टोल कर्मियों को तिरवा कोतवाली पुलिस ने भी थाने ले जाकर जमकर पीटा। अब टोल कर्मी न्याय मांग रहे हैं। टोल टैक्स के अधिकारियों की माने तो घटना की पूरी जानकारी यूपीडा के अधिकारियों को दे दी गई है। उनका कहना था कि डीएम के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने टोल कर्मियों को छोड़ा। वहीं अब टोल कर्मी दबंगई करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। 25 तारीख की रात 11:30 बजे जैसा कि टोल कर्मचारियों ने मुझे फोन पर सूचित किया कि एक गाड़ी आई आगरा से लखनऊ से और इधर कन्नौज तरफ जा रही थी, उसमें पंकज लाल जी सेल टैक्स कमिश्नर बैठे हुए थे। उनसे उनका परिचय पूछे जाने पर वो भड़क गए और टोल कर्मचारियों के साथ में मारपीट करी और बूथ का शीशा तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया। उन लड़कों ने सूचना टेलीफोन पे दी तो मैंने जो यहाँ के चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं उनको अवगत कराया। तब तक ये हुआ कि यहाँ की स्थानीय पुलिस कर्मचारियों को पकड़ के थाने ले गई। ये वाकया करीब 2 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद जिलाधिकारी को सूचित किया गया। जिलाधिकारी के जब संज्ञान में ये मामला आया तो उन्होंने यहाँ पर थाने में फ़ोन करके इन कर्मचारियों को छुड़वाया। पुलिस ने कोई जांच पड़ताल नहीं की थी? नहीं, जांच पड़ताल कोई नहीं की। अधिकारी से संबंधित, कमिश्नर संबंधित मामला था तो उन्होंने बगैर देखे कार्रवाई की। कैमरे लगे हुए हैं, सारा चीज़ रिकॉर्डेड है। हाँ, मारपिटाई की थी। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं जो इसमें न्याय संगत जो भी कार्रवाई हो, कार्रवाई की जाए। हालांकि इस संबंध में उपीड़ा के उच्च अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने सारी जांच पड़ताल की है और शासन स्तर पे भी इसकी बात जा रही है और होपफुली इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई वहां से भी कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस तरह के अधिकारियों का ये जो कृत्य है, क्या लगता है, अमानवीय है पूरी तरह से या विवेक दबंग है? नहीं, इतने बड़े अधिकारी का इस तरीके से ये करना तो अमानवीय है, और अगर अधिकारी ऐसा करेंगे तो फिर आम जनता, आम उनसे मैं क्या अपेक्षा करूँगा। तो जो टोल टैक्स कर्मी है, ये तो अपना नौकरी कर रहे हैं। टोल छोटे छोटे कर्मचारी हैं, कम तनख्वाह में काम करते हैं। कमिश्नर और सेक्रेटरी को छूट दी गई है, लेकिन परिचय पत्र दिखाना पड़ेगा। परिचय पत्र दिखाना है और बताना। सरकारी गाड़ियों को छूट दी गई है। पूरे मामले में कन्नौज के डीएम रविंद्र कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हाँ, वो जांच पे सभी चीजें आएंगी, सीसीटीवी से सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, किन लोगों ने वहाँ पर मिसबिहेव किया, किन लोगों ने वहाँ पर मारपीट की, ये सारी चीजें निकल के आएंगी। सर, लखनऊ की तरफ से कन्नौज उतर रही थी गाड़ी और यहाँ आते ही उसमें पंकज लाल थे सर, असिस्टेंट कमिश्नर जी। यहाँ मैंने ड्राइवर से टोल मांगा और उन्होंने कहा हमारी गाड़ी का टोल नहीं लगता है। मैंने कहा सर आपके पास कोई आई कार्ड या और कुछ हो तो मुझे दिखा दीजिए, प्रूफ हो, मैं छोड़ देता हूँ सर आपको। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास।
फिर उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ने उतर के फिर उन्होंने गाली गलौज करने लगे सर। उसके बाद मेरा कॉलर पकड़ के खींच लिए, जब यहाँ से मैं नहीं निकल पाया तो वो दरवाजा खोल के तोड़ के उसके बाद मेरे हम लोगों को खींच के बाहर में मारने लगे सर। फिर उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने भी हम लोगों को मारी, थाने में ले जाकर भी हम लोगों को थाने में मारी। तो क्या अपराध था आप लोगों का? खाली टोल मांगना? सर हम लोगों के अपराध यही था कि बस हम लोग टोल मांग लिए थे उनसे, बस नौकरी कर रहे थे। जी सर। कुछ नशे की हालत में भी देखे कुछ? जी सर, नशे की हालत में थे सर। कितने लोग पुलिस पकड़ के ले गई सर? 7 लोगों को सर। पुलिस ने कुछ जांच पड़ताल की थी यहाँ पर? नहीं सर, कुछ नहीं की थी सर, आई केवल पकड़ के लेके चली गई। फुटेज भी नहीं देखा था? नहीं सर। तो आप क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर उनके ज्यादा से ज्यादा न्याय मिले सर हम लोगों को। ऐसे दिक्कत हो जाएगी यहाँ तो? जी सर।